ये चारों चीजें औरतों के लिए बताई जा रही हैं जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो वो सामत शहरा रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो वह अहसनत सनत पर जा अपनी शर्म गाह की हिफाजत करती हो बेहुदा कपड़े न पहनती हो कपड़े लूज हो ढीले ढाले हो चुस्त ना हो उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई ना देती हो ढीले ढाले कपड़े पहनती हो वो अता और अपने शोहर की तातो फरमा बरदारी करती हो अपने शोहर की सेवा में अपने पति की सेवा में कमी ना करती हो फल तद में वाबिल वापिल जन्नतिशात जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं आयु अमरा तऊ राजिन अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए अगर कोई औरत मर जाए लेकिन मरते वक्त वो जऊ जुहान राजिन उसका शोहर उससे राजी थो उसका पति उससे राजी हो जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था मरते वक्त उसका पति उससे राजी था जन्ना, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत की अंदर दाखिल करेगा इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई जिस औरत का की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो चाहे कितनी रोजेदार रही हो चाहे कितनी तहजदे लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था तो यह औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी औरतों की नमाज और रोजा और हज और जकआत यह डिपेंड करता है शोहर की मर्जी पर शोहर की खुशी पर उसके पति की मर्जी पर पति की खुशी पर अगर शोहर राजी तो औरत जन्नती मरते वक्त अगर शोहर नाराज तो औरत जहन नहीं जा सकती जन्नत इन चीजों पर हमें गौर करना है अल्लाह के नबी हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताओ हम जन्नत में जाना चाहते हम क्या करें फरमाया सलाम उड़ते बैठते चलते फिरते मोहल्ले में गांव में शहर में जो मिलता है जानता हो या ना जानता हो जान जानने वाले और अनजान हर आदमी से सलाम करते हुए जाओ सलाम फैलाओ सुनो जन्नत में जाने का अमल सलाम सलाम फैलाओ जा रहे हैं आदमी है तो मुसलमान है तो गांव का ही लेकिन हम जानते नहीं कौन है फिर भी उसको कहो वालेकुम जानते हो उसको भी और ना जानते हो उसको भी चाहे उससे तुम्हारा तारुफ हो या ना हो लेकिन अगर तुम्हें इल्म मुसलमान है तो उससे सलाम किया जाएगा किसी काफिर को वालेकुम नहीं कह सकते हो किसी गैर मुस्लिम को वालेकुम नहीं कह सकते हो अदावर हाँ ठीक है हाँ ठीक 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 बहुत अच्छा ठीक है हाँ भैया कैसे हो ठीक है आदाब आदाब ये सब सही है चलेगा लेकिन वालेकुम नहीं क्योंकि काफिर दुआ का नहीं तुम पर अल्लाह की सलामती हो यह दुआ किसी काफिर को नहीं दी जा सकती अब सलाम को आम करो चाहे जानते हो या ना जानते हो लेकिन होना चाहिए वो मोमिन मुसलमान जर्जीत साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना है इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है हम क्यों सलाम करें आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा इस चीज को छोड़ो अल्लाह तबारक बता अल्लाह के नबी ने तकबर को मिटा दिया जाने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो हां इतना जरूर है छोटा बड़े को सलाम करे छोटा अल कबीर छोटा बड़े से सलाम करे अब छोटे आदमी को अकल नहीं है नहीं बड़ा सलाम कर रहा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है कोई हर्ष की बात नहीं छोटा बड़े को सलाम करेगा पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो माशी। तो जो सवारी पर आ रहा है सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा अदब देखिए घमंड तोड़ा अल्लाह अल्लाह के रसूल ने पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो तुम सवारी पे आ रहे हो तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा हम जर्जी साहब यहां बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को छोटा बड़े को सलाम करेगा सवार पैदल को सलाम करेगा हां अगर जानते हो किस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं चलो हम ही सलाम कर लें ऐसी सूरत में कर लो। कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन उसूल और साफ तो यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे सवार पैदल को सलाम करे फरमाया फरमाए सलाम सलाम को आम करो वो आते हर भूखे को खाना खिलाओ चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो या कुछ लोग ऐसे जो भूखे लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं उनका पता लगाओ कि वो कौन है उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं उनको अपने घर पे लाओ तो शर्म लग रही है आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं मांगेंगे नहीं लेकिन हैं तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ अदे मुता भूखों को खाना खिलाओ वसलुल अरहाम रिश्तेदारियों को जोड़ो आपको मालूम है ये मेरी खाला है ये भांजा है भांजा खाले से, खाला से नाराज है ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं ये फला गा, गली का लड़का ये फला, हमारी गली के लड़के से नाराज है ये रिश्तेदारियों में फर्क है वसलुल सलूल तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो आह अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के असूल और जब बताए अफसु सलाम, सलाम फैलाओ सलाम म करो वो मुताम खाना खिलाओ भूखों को चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग ना पा रहे हो उनको खाना खिलाओ अरहाम रिश्तेदारियों को जोड़ो जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिला और चौथी चीज बताई जब सारी दुनिया खरगोश में सो रही हो जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढाक कर सो रहे हो ऐसी ठंडी रात में उठकर वजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछा कर अल्लाह की इबादत करो कयाम करो रात को जागो नमाज पढ़ो तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो विल्ले रात के किसी हिस्से में उठो व ना उस वक्त जब लोग सो रहे हों जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो उस वक्त अपने रब को मनाओ उसके सामने तौबा करो इस्तिगफार करो उठो नमाज पढ़ो उठो इबादत करो हाथ उठाओ तोबा करो इस्तेफार करो मगफिरत मांगो अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ रो रो कर अपने रब से तोबा करो तुम ये चार काम अगर कर लोगे अफसलाम फिर से सुनो सलाम फैलाओ वादे मुत्ताम। भूखे को खाना खिलाओ रिश्तेदारियों को जोड़ो और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो रोर गिड़गिड़ाओ रात की तारीकी में कौन उठता है रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा क्योंकि वो जानता सारी दुनिया सो रही है उसके अंदर दिखावा नहीं होगा मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज़ पढ़े तो दिखावा हो सकता है कि दो दुगो, लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में ताजिद पढ़ते हैं लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा पूरा, पूरा मोहल्ला सो रहा है लेकिन घर के अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कौन जानता है कि हम रात को उठ के नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए फरमाया जब सारी दुनिया सो रही हो तो तुम तो उठो और घर के कोने में तुम नमाज पढ़ो इबादत करो और दुआ क्योंकि इस वक्त तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है तकबुर नहीं है जन्नत अब अगर ये चार काम तुम कर लो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ तुम जन्नत में चले जाओगे सलाम को फैलाओ भूखों को खाना खिलाओ तो कितनी अच्छी चीजें बताई हैं ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं और हम क्यों आए इस दुनिया के अंदर उसी खोए हुए मकाम को जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हवा को निकाला गया उस मकाम को दोबारा पाने के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है अब गलती यहां मत करना तुम्हारे बाप आदम जन्नत में शैतान की बात मान चुके हैं इधर भी शैतान तुम्हारा पीछा करेगा अब इधर तुम उसकी बातों को रिजेक्ट करके उसकी बातों को अपने पैरों से रौंद कर कुरान हदीस की बात पर अमल करके उस खोए हुए मकाम को दोबारा पालो इसलिए हमें भेजा गया है और आपसे बहुत ही मौत दबाना गुजारिश जलसों के अंदर मेलों को बंद करिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए मेला नहीं लगता है हम यूपी में जलसे करते हैं किसी जलसे में मेला नहीं लगता है हम आंध्रा में जाते हैं मेला नहीं लगता है हम तेलंगाना में जाते हैं मेले नहीं लगते हैं कश्मीर जाते हैं मेले नहीं लगते हैं पंजाब जाते हैं हरियाणा जाते हैं राजस्थान जाते हैं मेला नहीं लगता है सिर्फ बिहार के चंद इलाकों में और बंगाल बंगाल में तो पूरे बंगाल में तो कहीं देखते ही नहीं कि मेला ना लगता सिर्फ आप ही नहीं और मेलों में जितना नंगा नाच होता है वो मेरे भाइयों बयान करने के लायक नहीं जिस तरीके से जवान लड़कियों की भीड़ होती है यह बयान करने के लायक नहीं है किस मुंह से तुम हिजाब के खिलाफ आंदोलन करोगे किस मुंह से करोगे तुम अपने जलसों में जब मेले में आने वाली और इन ड्रामेबाज जवान लड़कियों को उनकी पोशाक और उनकी लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से नहीं रोक सकते हो और मेले में उनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो तो हिजाब क्या कायम करवा पाओगे आप हिजाब तो उतरवाया जा रहा है उसके जवाब में होना तो यह चाहिए था कि अच्छा हमारी मुस्लिम बेटियों से हिजाब उतरवाएगा इस जिद में पूरे हिंदुस्तान की सारी औरतों को हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था कि हिजाब सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है होना तो यह चाहिए था सिर्फ जलूस निकाल लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा टीवी पर डिबेट हो जाने से हक अदा नहीं हो जाएगा बहुत ही मोहजरत के साथ कहना पड़ता है देखिएगा अभी कुछ देर पहले क्या हाल था इसी रोड का लड़कों से ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही थी और पांच छह साल की बच्चियां नहीं पंद्रह सोलह अठारह बीस बीस साल की लड़कियां और वो कपड़े अल्लाह की कसम फिर सुन लो अल्लाह की कसम जो कपड़े पहने हुए थी किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को तहजीब के कपड़े नहीं कहा जा सकता है किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को शर्म हया के कपड़े नहीं कहा जा सकता है बेशर्मी और बेहयाई के कपड़े पहने हुए थे अब बताना पड़ेगा कि बेशर्मी और बेहयाई का कपड़ा कौन सा होता है बंद करिए मेलों को और अगर आप मेला बंद नहीं कर सकते हैं और मेला भी करें और जलसा भी तो यह सोच के उठिएगा कि आपको इस जलसे का कोई सबाब नहीं मिलेगा क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं जो बुराई तुम अपनी हाथ से रोक सकते हो तो पहले उसको रोको मेरा तुम रोकने की ताकत रखते हो जब करवाने, जलसा करवाने की ताकत रखते हो तो मेला रोकने की भी ताकत रखते हो यह हाथ से करने की ताकत है और जब हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो भाई ऐसा मत करो और जब जबान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो खुद ना जाओ हटो चलो हाथ से रोको हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी टखने से नीचे लुंगी पहनता हुआ पैजामा पहनते हुए जा रहा था लुंगी से नीचे ये वो टखने से नीचे जा रहा है हजरत उमर फारूक की नजर उसके ऊपर पड़ गई वो आगे आगे जा रहा पूछते उसने पीछे मुड़ के देखा हजरत उमर किससे कह रहे अहांता का मतलब जानते हैं हजरत उमर ने कहा उसे तुझे पीरियड आ रहा है क्या औरतों को जो महीने में कुछ दिन मखसूस दिन जो उनको गुजरना पड़ता है एम से उनको कुछ दिन चार पांच दिन जो उनको ब्लड आता है उस महीने को उसको कहते हैं पीरियड महीना तो हजरत हज़रतमर ने उससे कहा है आज अंता क्या तुझे पीरियड आ रहा है महीना आ रहा है वो तो पीछे मुड़ के देखता है किसको कह रहे हैं अल्लाह के हजरत उमर तो कहा कि जी किसको कह रहे हैं कहा तुमसे कह रहा हूँ मुझसे हंसते हुए वो कहता मुझसे कि हाँ हंसते हुए कहता अमीर उलमोमिन आपका दिमाग तो सही है हल जो रजुल क्या मर्द को भी महीना आता है देखिए सवाल क्या किया उसने हल रजुल क्या मर्द को भी पीरियड आता है तो हजरत उम्र ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है नीचे इतना नीचा कपड़ा हो इतनी नीची शलवार हो इतनी नीची साड़ी हो कि जमीन की मिट्टी को छूते हुए जाए जमीन की मिट्टी से चिपक कर जाए जमीन पर लटकती हुई जाए उसकी चप्पल भी नजर नहीं आनी चाहिए यह है औरत का परदा टकने से नीचा कपड़ा तो अल्लाह के रसूल ने औरत को पहनने का हुक्म दिया है और तुम टकने से ऊपर पहने हुए हो तुम टकने से नीचे पहने हुए हो यानी औरतों वाला कपड़ा पहने हो औरतों वाला काम कर रहे हो जब कपड़ा पहनने में पैजामा पहनने में जब औरतों वाला काम इस्तेमाल कर सकते हो तो हो सकता है कि तुम्हें महीना भी आ रहा हो ये बे सिक्कि्किन छुरी लाओ और छुरी से उसका पैजामा काट दिया उसने कहा मीर उलमोम मैं घर पे छोटा कर लूंगा नहीं उसका पैजामा वहीं से काट दिया और कहा कि सुनो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बुराई अपनी आँख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो मुझे मेरे अंदर हाथ से दूर करने की ताकत थी कौन है इसका जिम्मेदार कौन करेगा अभी समाज में कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए दो चार दिन के बाद पकड़ा जाए पंचायत बैठ जाएगी ए इतना जुर्माना इतना ये वो शादी करो ये करो नहीं करे तो इतना जुर्माना तेरी हिम्मत कैसे पड़ी सब गांव के सरदार बैठ जाएंगे एक लड़का लड़की को लेके भागता पंचायत बैठ जाती है आपके समाज में अगर कोई आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है कहा चले जाते हैं गांव के सरदार लोग और उस वक्त पंचायत बिठा के क्यों उसके लिए सजा मुतैन नहीं करते हैं बताइए आपके समाज में कोई आदमी शराब पी के घर पे आ जाता है समाज का सरदार क्या करता है मीटिंग नहीं बुलाता है उस पर एक्शन नहीं लेता है अगर लड़का लड़की को लेके भाग जाए उसकी मीटिंग हो सकती है उसके ऊपर जुर्माना मुतैयन हो सकता है तो मुझे बताओ कि फिर आपके समाज में कोई फजर की नमाज ना पढ़े जहर की नमाज ना पढ़े उसके लिए कोई सजा मुतैन क्यों नहीं की जाती है मतलब यह है कि जो आप जिन कामों पर सजा मुतयन करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे शरीयत के मुताबिक आपको नहीं चलना है आप जिसकी चाहेंगे उसकी पंचायत बिठाएंगे और जो गुनाह हैं और जिन गुनाहों की नहीं चाहेंगे उन गुनाहों की ये आपकी मर्जी पर नहीं चलेगी मेरे भाइयों इस्लाम के नहीं चलेगी अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अजमन ली बैन नई और अजमन लहुल जन्ना जो मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दे जो मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दे मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं कौन सी है वो दो चीजें बैन न दोनों ये जो दाढ़ी के जो दोनों किनारे हैं गाल मुंह इनके बीच में नी जबान जो मुझे दोनों जबड़ों के बीच की यानी जबान की जमानत दे दे मैं इससे कभी गलत नहीं बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा चोरी नहीं झूठ नहीं बोलूंगा गीबत नहीं करूंगा किसी की बुराई नहीं करूंगा जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा इसको कभी बुरे चीजों में इस्तेमाल नहीं करूंगा वो बैना रिजलई ही और अपने दोनों पैरों के बीच दोनों टांगों के बीच यानी शर्मगा की हिफाजत दे दे हम इसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इन दो चीजों की जमानत मुझे दे दे अजमन लहुल जन्ना मोहम्मद रसल्ह फरमाते मैं उसको जमानत देता हूँ जन्नत की मैं उसको जमानत देता हूं कि यह जन्नत के अंदर जाएगा यह जन्नत के अंदर दाखिल होगा यह जन्नत के अंदर जाएगा मैं उसको जन्नत में जाने की जमानत देता हूँ जन्नत के अंदर जाएगा। ये जबान से जुड़ी चुगली होती है, है। अल्लाह के नमाज पढ़ा रहे हैं। सलाम फेरा। पढ़ाने के बात जब आपने चेहरा मुख्तदियों की तरफ किया तो क्या देखा कि एक साहब भी उठ के जा रहे हैं नाम है उनका अबू शुदरी सलाम उन्होंने भी नमाज पढ़ ली वो जा रहे हैं जब वो दरवाजे पर पहुंच गए मस्जिद के तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है दुनिया में जन्नति जिसको जन्नती देखना हो देख ले ये जन्नती जा रहे हैं साहबा ने पीछे मुड़ के देखा वो अबू सईद खुदरी हैं दूसरे दिन आपने फिर नमाज पढ़ाई जब सलाम फेरा अबू सईद खुदरी फिर उठ के जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले ये जन्नती जा रहा है साहबा ने फिर पीछे मुड़के देखा तो वही अब रही है, है, है। अल्लाह के नबी जब जिसको जन्नती कहा तो साहबा ने फिर पीछे मुड़के देखा कौन है वही अबू सईद खुदरी तो हजरत अब्दुल्ला अपने उमर को तजस्स हुआ ये क्या करते हैं जिनको बार बार जन्नती कह रहे हैं अल्लाह के नजदीक जितना अमल हम करते हैं उतना अमल ये भी करते हैं लेकिन इनको तीनों दिन जन्नती क्यों कहा तो हो सकता है कि मस्जिद में बाहर कोई काम ना करते हो हो सकता है घर में कोई काम कर रहे हो तो ये उनके घर पहुंच गए अबू सईद खुदरी ने कहा आइए कैसे आना हुआ कहा मेरे अबू से लड़ाई हो गई है मेरी कुछ दो तीन दिन में तुम्हारे यहां रहना चाहता हूं उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं चला जाऊंगा का अच्छा ठीक है आओ कोई बात नहीं माँ बाप से नहीं लड़ना चाहिए वैर तुम आ जाओ मेरे मेहमान हो उनको क्या मालूम ये किस लिए आए उन्होंने कमरा दे दिया उनको अब वो अब्दुल्ला इब्ने उमर उनके वो देख रहे हैं कि घर में ये कौन सा अमल करते हैं लेकिन तीन दिन रुकने के बाद तीन रात रुकने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे सामने तो कोई ऐसा अमल आया नहीं कि जो हमसे ज्यादा हो घर में भी ये उतना ही करते जितना हम अपने घर में करते हैं यानी जितनी नमाज ये अपने घर में पढ़ते उतना हम भी अपने घर में पढ़ते हैं तो तीसरे दिन जब ये वहां से जाने लगे तो कहने लगे अबू सईद खुदरी मेरे बाप हमसे नाराज नहीं है मेरी माँ भी मुझसे नाराज नहीं है बल्कि मैं तो एक चीज का पता लगाने के लिए आया था का क्या पता लगाने के लिए आए थे का ये देखना चाह रहा था कि तीन दिन आपने नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब आप मस्जिद के दरवाजे पे आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जन्नती ना देखा वो देख ले तीनों दिन आप ही रहे मैंने सोचा कि पता नहीं हो सकता घर में कुछ कोई अमल करते हो लेकिन मैंने देखा कि आपके अमल हमारे अमल से ज्यादा नहीं है जितना हम घर में करते हैं उतना आप करते हैं जितना हम बाहर करते हैं उतना आप भी करते हैं लेकिन जन्नत में आप जा रहे हैं और किसी को अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे हैं सिर्फ आपसे कह रहे हैं क्या मामला है अबू सईद खुदरी कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता लेकिन शायद एक, एक वजह हो का क्या मैं मस्जिद में भी फजूल में नहीं बैठता बेकार नहीं बैठता देख रहे हैं मैं मस्जिद के अंदर भी फालतू नहीं बैठता जैसी नमाज खत्म होती है सलाम असलाम वहमतुल्लामकम वरहमतुल्ला मैं फौरन नमाज पढ़ के फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता हूं सुन्नतें और नवाफिल मैं घर में पढ़ता हूं मेरी ये खूबी होगी कि अब तक जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की और इस्लाम लाया हूं मैंने अब तक न तो अपनी जबान से किसी की बुराई की है और ना ही मेरे कानों ने आज तक किसी की बुराई सुनी है हजरत उमर कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं शायद यही वजह हो वो अल्लाह के नबी के पास आए कहा के नबी अबू सईद खुदरी ने मुझे ये ये बताया है क्या ये सच है फरमाया मैं नहीं चाहता था कि अबू सईद खुदरी की नेकी तुम्हें बताऊं वो राज में थी राज में रहने देता लेकिन तुम उनके घर जाकर मालूम कर आए हो हाँ आए लोगो उन्होंने आज तक किसी की गीबत नहीं की उन्होंने आज तक अपनी जबान से किसी की बुराई नहीं की और आज तक उनके कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी है यही नेकी है कि अल्लाह ने अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया और मैंने उनको जन्नती कह दिया ये जन्नती आदमी है इस हदीस की रोशनी में हम लोग अपना गरीबान के बटन खोल के झाँकें कि कितने जन्नती हैं